Hi, I'm Babu Malik and you're watching me on Bollywood Issue. Enjoy watching, keep on watching Bollywood Issue. मैं एक ही बार मिला हूँ सिद्धार्थ से जबकि उनका फोन आया मुझे कि लेट्स मीट अप इन द नाइट. तो हम लोग चले गए दोनों एंड वी हैड अ मीटिंग टुगेदर. मैं चाहता हूँ कि मेरे एक दो गाने हैं सिद्धार्थ और शहनाज पे पिक्चराइज हो, पर हम दोनों ने मीटिंग जरूर की और 7-8 घंटे साथ में बैठे रहेंगे. मैं सिद्धार्थ और शहनाज को लेना चाहता हूँ, मैं पारस और माहिरा को लेना चाहता हूँ साथ. यू मस्ट सिद्धार्थ, डोंट लीव अस, शी इज वेरी नाइस. तो मैं चिल्ला रहा था, ये सीरियस होगा, बहुत दूर रहो. हमने आपका इंटरव्यू लिया था, उसमें आपने कहा था कि आप सिद्धार्थ से मिले थे, क्या बातचीत हुई? मैं एक ही बार मिला हूँ सिद्धार्थ से जब वो बाहर आए थे, उसके एक हफ्ते बाद आए, मैं उनके पास गया, हम लोग ने बैठ के खाना वाना खाया, वी पार्टी फॉर सम आवर्स और बातें हमने बेसिकली यही की कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, एंड व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट न्यू प्रोजेक्ट्स. फिलहाल तो उसका मूड खाली था रेस्ट करने का, बिकॉज आई थिंक बहुत काम हो गया था इतने दिनों में और 20 हफ्ते बाहर रहे अपने घर के, तो काफ़ी तंग भी आ गए होंगे हर चीज़ से. तो आई थिंक उनका मूड बेसिकली ये था कि अभी थोड़े दिन के बाद ही डिसाइड करेंगे क्या हो रहा है. बट उसके बावजूद मैंने सुना गाने हुए हैं, शोज इतने सारे हुए हैं उनके, बहुत कुछ हुआ उनके साथ. अबू जी, सिद्धार्थ से मिलने के लिए पूरी दुनिया तरस रही है, उन्होंने आपसे मुलाकात कैसी रही? हम लोग दोस्त हैं, हमने एक दूसरे को जानते हैं, वो मुझे एक एल्डर की तरह रिस्पेक्ट भी करते हैं थोड़ा, और उसकी वजह से जब मैंने जाहिर किया कि चलो हम मिलते, तो उनका फ़ोन आया मुझे कि लेट्स मीट अप इन द नाइट. तो हम लोग चले गए दोनों एंड वी हैड अ मीटिंग टुगेदर. फिर जो बातें करनी थी हमने की, जो हमें लगा, जो मुझे सवाल पूछने थे वो मैंने पूछे, उनके भी दिमाग में कुछ बातें थी, उन्होंने पूछी बातें, तो वैसे हमने बातें की एक दूसरे के साथ. अच्छा अबू जी, सिद्धार्थ के साथ आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरे एक दो गाने हैं जो इसके और सिद्धार्थ और शहनाज पे पिक्चराइज हों. तो मैंने सुना सिद्धार्थ और शहनाज पे गाने, एक गाना ऑलरेडी पिक्चराइज हुआ है, जो गाना मैं चाहता हूँ वो मैं डालने वाला हूँ ऑन माय चैनल और उनकी फ़ोटोज़ के साथ. तो अगर वो उनको अच्छा लगेगा और वो मेरे से बात करेंगे तो मैं कर सकता हूँ गाना उनके ऊपर. अच्छा अबू जी, ये मुलाकात की वजह क्या थी? कोई मीटिंग नहीं, एज अ फ्रेंड. उस वक्त तो मुझे पता नहीं था कि इतने लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए क्लैमर हो जाएंगे, और मुझे पता होता तो मैं क्लिपिंग लेके रख लेता. हमने तो बैठ के आराम से बैठे रहे, बातें बातें की, और उन्होंने भी कहीं मेंशन नहीं किया कि मेरे साथ मीटिंग हुई है, पर हम दोनों ने मीटिंग जरूर की और 7-8 घंटे साथ में बैठे रहे. साथ में शहनाज भी थी क्या? नहीं, सहना से मिलने वाले थे. मैं मिलने वाला था मगर वो मीटिंग हुई नहीं, क्योंकि उनका जब से वो उस शो में गई है तब से उनके पास वक्त नहीं रहा, और उनके पास एक दिन फ्री होता है और वो एक दिन के अंदर वो बहुत बिजी होती हैं, और उसी बीच में शायद सिद्धार्थ से मिलती हैं कि नहीं मिलती, या किसी और मेंबर ऑफ द हाउस से मिलती हैं, मुझे आइडिया नहीं है. मगर अभी मैंने सुना शो ख़त्म हुआ है तो चांसेस हैं कि मैं मिल सकूँ उनसे. आपकी शहनाज से क्या बातचीत होगी अगर? हाँ ऑफकोर्स, क्यों नहीं होगी बातचीत. हम लोग सब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, सब अच्छे फ्रेंड्स हैं और हम बातें करेंगे एक दूसरे से. अच्छा अबू जी, बिग बॉस 13 एक बार फिर से टीवी पर आ रहा है, क्या देखेंगे? ज़रूर देखूंगा. मैं इतना बेहतरीन शो था जिसके लिए लोगों ने इतनी फरमाइश की है कि फिर शुरू हो जाएगा वापस, ये कभी नहीं किसी ने सोचा नहीं, तो अब लोग फिर देखेंगे उसके मोमेंट्स जो है, और अनदेखे मोमेंट्स भी वो डालने वाले हैं. मुझे लगता है बहुत चीज़ें वो ऐड करेंगे, उसको री एडिट करके भी दिखा सकते हैं, ये पूरा री एडिट भी हो सकता है, जितना पोर्शन है उसके अलावा भी बहुत पोर्शन. आपको एक घंटा दिखाया जाता है ना, 24 घंटे का शो है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में बहुत सारे हाईलाइट मोमेंट्स होते हैं, वो हाईलाइट मोमेंट्स को भी इनकॉर्पोरेट करके डाल सकते हैं ना. सिद्धार्थ के ऊपर आते ही कोई जोड़ी आपके हिसाब से कितनी परफेक्ट है? सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, जोड़ी बहुत, पूरी दुनिया को बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है. दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों रोबस्ट हैं, स्ट्रांग हैं, एक दूसरे के लिए सही हैं. लेट अस सी क्या होता है उनकी लाइफ के साथ. सिद्धार्थ के साथ आपको एल्बम बनाने का मौका मिला बिग बॉस के घर से, आप किन किन को लेना चाहेंगे? मैं सिद्धार्थ और शहनाज को लेना चाहता हूँ, मैं पारस और माहिरा को लेना चाहता हूँ साथ में फॉर अ सॉन्ग टुगेदर. फिर जो भी आसिम और हिमांशी के साथ, अगर मेरे पास तो इतने सारे गाने हैं, मैं कुछ भी पिक्चराइज कर सकता हूँ, सब मानेंगे तो सब पे एक एक गाना पिक्चराइज कर दूंगा मैं. मुझे कहीं ना कहीं ऐसी खबर आ रही थी
कि सिद्धांश की जोड़ी को मिलाने आपने ही बहुत प्रयास किया था, जानना चाहेंगे प्रयास क्या था और किस तरीके के आप दोनों का मिलाना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं, जब मैं बिग बॉस के घर में था उस वक्त प्रयास नहीं था, क्योंकि उस वक्त था ही नहीं रिलेशनशिप। उस वक्त मैं 3-4 हफ्ते में बाहर आ गया था, उस वक्त तो शहनाज वॉज इन्वॉल्व विद पारस, तो मुझे नहीं, उस वक्त तो मुझे पता ही नहीं था। बाद में जब मुझे पता चला और ये पता चला कि वो चाह रही है कि वो बोले, और तो हम लोग, जब मैं अंदर गया था तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि वो रिकॉर्डेड है कि यू मस्ट सिद्धार्थ डोंट लीव अस इज वेरी नाइस, तो मैं चिल्ला रहा था उसके ऊपर। तो आई वॉन्टेड देम टू बी टुगेदर, अच्छे लग रहे थे और पब्लिक को, तो उसको शायद पता नहीं था ना अंदर क्या लग रहा है बाहर और क्या दिख रहा है, तो उसको मैसेज तो मिल गए थे कि इट इज़ लुकिंग वेरी गुड। और सी विक्ट्री का जो श्रेय मिलता है उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, खाली एक अकेला आदमी बिग बॉस के घर में विक्टर नहीं हो सकता। विक्टर होता है तब जब उसके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनके साथ उसका जो रवैया है, उनके साथ रिलेशनशिप है, एक जगह लड़ाई चल रही है, इतना झगड़े चल रहे हैं और एक जगह प्यार भी चल रहा है, तो प्यार इतना ब्यूटीफुल लगा लोगों को कि वो विक्टर हो ही गए वैसे ही। तो दोनों की जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आई है और वो चाहते हैं कि इस जोड़ी का आगे कुछ हल निकले, अगर निकल जाएगा तो बहुत अच्छा है। हाल ही में उद्धव ठाकरे जी ने स्कूल कॉलेजेस और सब हर जगह ये हो रहा, हर चीज़ बंद हो रही है, और आप क्या कहना चाहिए कोरोना वायरस की वजह से ये सब जो ये सीरियस होगा बहुत, और सीरियस है, इसके लिए पूरी दुनिया में जो सब लोग अपने अटेंशन पे आ गए हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और हमारा देश भी पूरी तरह से लगा हुआ है कि किसी तरह से हम प्रोटेक्ट हो जाए और हमारे तरफ तक डिजीज नहीं आए। अगर आपको याद होगा सार्स भी था, पूरी दुनिया में फैला था, इंडिया तक नहीं पहुंचा था, केसेस आए थे, रिवील हुए थे, उनको इंडिया ने क्लैंप कर दिया। उसी तरह से भी हमारी कंट्री फिलहाल लगी भी है जोरों में कि दुनिया में हो, और वहाँ के लोग अपनी अपनी कोशिशें कर रही हैं, मगर इंडिया में तो हमारी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग और क्लैंप कर रही है उसको किसी तरह से कि हमारे यहाँ तक पहुँचे नहीं और ज़्यादा केसेस नहीं होंगे। और मैं भगवान से दुआ करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये जहाँ है वहाँ रुक जाए, और पूरी गवर्नमेंट की कोशिश है और हम उनके साथ हैं, और मैं चाहूँगा कि जो डिसीजंस ले रहे हैं वो सही होंगे, उनका साथ देना चाहिए। ऑडियंस के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप कोरोना वायरस के लिए कुछ? हाँ, दूर रहो, वो मैंने एक डाल दिया था पहले एक हफ्ते पहले, कोरोना दूर रहो, एक दूसरे से दूर रहो जितना हो सके, दैट मीन्स सोशलाइजेशन थोड़ा कम कर दीजिए, बाहर महफिलों में जाना बंद कर दीजिए, बाहर खाने पीने खाना बंद कर दीजिए, कोशिश करो अपने घर में हो, ज़रा सा जुकाम बुखार हो तो अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लीजिए, वेट मत करिए, और वेट करिए कि बाहर जाके किसी और को देना, फिर चेकअप करा लीजिए, अगर वो जाए नहीं एक दो दिन में चले जाए तो फिर आइसोलेट करके रहिए, बाहर मत जाइए। सो हर आदमी अगर ध्यान देगा अपनी बॉडी पे और अगर ज़रा सा बुखार हो बाहर नहीं निकलेगा तो ये फैलने के चांसेस बहुत कम है, और अपने हाथ धोते रहिए जैसे वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आप सबको, और हर टेलीविजन चैनल्स पे, टेलीफोन्स पे, उनको फॉलो कीजिए, उससे हम सबको हेल्प मिलेगी और आई एम श्योर वी विल विन दिस बैटल।